तो एक तरफ केदारनाथ धाम से सोना चोरी को लेकर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ धामी सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला चार धाम को लेकर लिया है। दरअसल चार धाम को लेकर जो ट्रस्ट बनाया करते थे वो अब नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा होता भी है, यानी कि ट्रस्ट बनाया भी जाता है चार धाम यात्रा के नाम पर, तो अब उसे लेकर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया जाता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड के चार धाम और प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नामों को लेकर अब कड़ा कानून बनेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर स्थापित किए जाने का विरोध हो रहा है। केदार घाटी में पंडा पुरोहित समेत स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारा ज्योतिर्लिंग एक ही है, उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर अनेक स्थानों पर बने, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के अंदर है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। धाम केवल एक ही है जो उत्तराखंड देवभूमि में है। अगली खबर भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिग्नेचर पुल जो 2021 से बन रहा है, 2022 में पहले इसका बेस गिर गया था और एक बार फिर से सिग्नेचर पुल जो है वो भरभराकर गिर गया है। आखिर क्यों बार बार ये पुल गिर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास नरकोटा में निर्माणाधीन उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर ब्रिज का एक छोर धराशायी हो गया। हालांकि जिस समय पुल गिरा उस समय कोई भी मजदूर साइट पर काम नहीं कर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस घटना में जांच के आदेश दिए। दरअसल ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में ऑल वेदर परियोजना के तहत लगभग 66 करोड़ की लागत से 110 मीटर लंबाई वाले सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उत्तराखंड के नरकोटा में ये पहला सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। 2021 से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 2022 में भी इस पुल का बेस गिर गया था और हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। पुल निर्माण के लिए रेल विकास निगम ने पैसा दिया है, क्योंकि जहां पहले बद्रीनाथ हाईवे था वहां पर रेलवे की टनल बन रही है। टनल के स्थान पर रेलवे इस पुल का निर्माण कार्य करवा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासत वो हवा है जो वोट के लिए सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में भी गुरेज नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ सियासत में इतनी ताकत है कि लोगों में भाईचारे का प्रवाह फैला सकता है। लेकिन आजकल नेताओं को न जाने क्या हो गया है, उन्हें बिना जहर उगले चैन नहीं आता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी के या फिर समाजवादी पार्टी के। हमाम में सब नंगे हैं। देश की खराब होती गंगा जमुनी तहजीब पर बीजेपी सांसद ने चिंता जताई है और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। चूंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता हैं, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। एक वक्त था जब सियासत में नैतिकता नाम की कोई चीज हुआ करती थी। पार्टी में इक्का दुक्का नेता जहरीला बयान दिया करते थे, लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने से शुरू हुई कहानी अब धर्म जाति तक पहुंच चुकी है। कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है, उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है और इसके प्रमाण भी हैं।
इसी पटना में 13 में उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, लगभग 6 लोग मारे गए थे। राहुल गांधी भी कई बार बहुत गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हैं कि युवा लोग उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लोकतंत्र में विरोध करें वो आपका अधिकार है, उसमें एक मर्यादा और सीमा होनी चाहिए ताकि किसी नेता को हिंसक उत्तेजना के लिए टारगेट नहीं किया जाए। सियासतदानों को पता है कि लगातार भड़काऊ बयान देने से जनता पर व्यापक असर पड़ता है, लेकिन पार्टियां अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए जरूरत के बिना भी ऐसे बयान देती आई हैं। दरअसल ऐसे बयान से नेताओं को सुर्खियों में बने रहने का चस्का लग गया है। ऐसे में सवाल ये है कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने से समाज पर पड़ रहे असर को रोका जा सकता है? अगर नहीं तो विपक्ष को सियासत करने के नैरेटिव को बदलना पड़ेगा। जात धर्म से उठकर देश की चिंता करनी होगी, तभी गांधी और अंबेडकर का सपना पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे साइबर ठगों पर हो रहे एक्शन की। राजस्थान के मेवात में साइबर ठग दाऊद खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। साइबर ठगी के लिए मशहूर हरियाणा राजस्थान के मेवात में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान के डिग जिले में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सिकरी के इनामी साइबर ठग दाऊद खान का आलीशान मकान को तोड़ा गया। साइबर ठगी के कई गिरोह सक्रिय हैं, जो अलग अलग तरीकों से लोगों को चुना लगाते हैं। दरअसल भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने ठगों के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन के तहत फरार इनामी साइबर ठगी की न केवल धरपकड़ की जा रही है, बल्कि ठगी की काली कमाई से बने आलीशान मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। साइबर ठग दाऊद खान ने डिग जिले के सुकेती गांव में सरकारी जमीन पर 2000 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनवा रखा था। दाऊद खान कई मामलों में वांछित है, लेकिन वो लंबे समय से फरार है। दाऊद पर कोटा समेत कई थानों में केस दर्ज है, उस पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर ताजा जुलूस के दौरान जो है ये जुलूस आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन से टकराया, जिस दौरान बड़ा हादसा हुआ, एक की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ताजा जुलूस निकल रहे ताजादारों के साथ बड़ा हादसा हो गया। ताजा 33 किलोवाट हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिसके बाद धमाके के साथ आग लग गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत के साथ ही कई लोग झुलस गए। यहाँ के अमीर नगर में मुहर्रम का मेला लगता है। ताजा में आग लगने के बाद लोगों ने आग में झुलसे लोगों को किसी तरह अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी पीड़ितों को शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। आग में जलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे पीड़ितों का इलाज चल रहा है। इनमें से भी कुछ हालात गंभीर बताई गई है। मुहर्रम जुलूस के दौरान जो ताजा बनाया गया था वो 180 फीट ऊंचा था। जरूरत से ज्यादा ऊंचा होने के कारण ताजा हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ताजा की ऊंचाई अधिक होने के कारण हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे करंट उतरने से ताजा में आग लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुक कर लेते हैं दो मिनट में भारत का। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क का हादसा हुआ, ट्रेलर के पीछे से घुसी कार, हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन पुल गिरा, आर्च ब्रिज का एक हिस्सा धराशायी हुआ है। 76 करोड़ की लागत से ये सिग्नेचर पुल बन रहा था। 2022 में इसी पुल के टूटने से 2 मजदूरों की जान चली गई थी। राजस्थान के मेवात में साइबर ठग दाऊद के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने 26 साइबर ठगों को चिन्हित करके लिस्ट जारी की थी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे, जमीन विवाद में जमकर चले बेल्ट और डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है, घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सौतेले बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया।
यूपी के बुलंदशहर में दिव्यांग महिला पर दबंगों ने गोली चलाई है। पति का कर्ज न चुका पाने पर दबंगों ने महिला को गोली मारी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया, एक की मौत हो गई, 15 लोग झुलस गए। यूपी के एटा में मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने मजदूर की बेटी को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में चार घायल, दो की हालत गंभीर। यूपी के महाराजगंज में वन विभाग के एक अधिकारी ने अपने दो सहकर्मियों से कमरे में बेरहमी से मारपीट की। ग्रामीणों ने